इटावा में बुधवार को नई दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस के जनरल कोच में आग लग गई थी। ताजा जानकारी के मुताबिक ट्रेन के 3 कोच में आग लगी थी। फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया है। ट्रेन नंबर 02570 के जनरल कोच में आग लगी थी। ट्रेन सराय भूत स्टेशन पर रुकी थी, जिसके बाद रात 8:18 से ट्रेन को बिहार के लिए रवाना कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना हो गई थी। फिलहाल कानपुर में 3 कोचों को जोड़ा जाएगा। हादसे में 200 से 250 लोग प्रभावित हुए हैं। सर, ये जो घटना हुई है, कौन सा स्टेशन है और ये क्या, कहां से कहां गाड़ी जा रही थी? ये गाड़ी जो है नई दिल्ली से दरभंगा जा रही थी, 02570 है, और ये घटना जसवंत नगर और सराय भूपत स्टेशन पे। कितने बजे घटना रही, क्या ये सब आ रहा है, क्या हादसे की वजह रही? हादसे की वजह तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि मैं बता सकूं क्या है। तो अचानक इसमें धुआं सा दिखाई दिया, जिससे प्रेशर लगा के गाड़ी खड़ी कर दी। खड़ी करने के बाद आग बुझाने की कोशिश की, सारे पैसेंजर बाहर निकाले, उसके बाद आग बुझाने की कोशिश की। कितने बोगियों में आग लगी होगी? 3 बोगियों में। 3 बोगियों। कितने पैसेंजर होंगे 3 बोगियों में? 3 बोगियों में कम से कम वही 400-500 आदमी हैं। एक तो बहुत आग बहुत ज़्यादा थी। काबू तो अभी भी देखिए फायर ब्रिगेड जुटी हुई है। ऐसा कुछ जानकारी हमें नहीं हो पाई कि क्या रखा अंदर क्या नहीं। प्रभात